पीसीसी चीफ कमलनाथ ने शिवराज सरकार को फिर निशाने पर लेते हुए जमकर हमला बोला। शाहपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश को बेरोजगारी, माफिया राज और भ्रष्टाचार दिया है। शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश के भविष्य पर ताला लगा दिया है। शाहपुर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आड़े हाथों लिया। कमलनाथ ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान केवल लंबी चौड़ी बातें करते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज ने मध्य प्रदेश को बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और माफिया राज दिया है। बिगड़ी स्वास्थ्य व्यवस्था और बिगड़ी शिक्षा व्यवस्था भी शिवराज सरकार की देन है। शिवराज सिंह चौहान ने घर घर में शराब दी है। सीएम शिवराज ने मध्य प्रदेश के भविष्य पर ताला लगा दिया है। मैं तो पूछता हूँ, शिवराज सिंह जी आपने दिया क्या? शिवराज सिंह जी आपने दिया क्या? आप बड़ी लंबी चौड़ी बातें करते हैं, आप भी तो हिसाब दीजिए। मैं बताता हूं शिवराज सिंह जी ने क्या दिया। इन्होंने महंगाई दी, बेरोजगारी दी, माफिया राज दिया, बिगड़ी हुई स्वास्थ्य व्यवस्था, बिगड़ी हुई शिक्षा व्यवस्था, ये सब चीजें दी। दुखी किसान आपने दुखी किया, शिवराज सिंह जी ये आपने दिया। एक और शिवराज सिंह जी ने दी, घर घर में शराब दी। सही बात है, घर घर में शराब दी। ये इन्होंने तो मध्य प्रदेश के भविष्य पर ताला लगा रखा है, एमपी की तरक्की पर ताला लगा रखा है, किसानों की आमदनी पर ताला लगा रखा है, युवाओं के रोजगार पर ताला लगा रखा है। जनसभा को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनते ही हम प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी फिर शुरू करेंगे, हम किसानों को मजबूत करेंगे। पुनर्वास क्षेत्र में आदिवासियों एवं बंगाली समुदाय की भूमि की पट्टे की समस्या बहुत पुरानी है, मैं ये जानता हूं, इसका भी समाधान किया जाएगा। हमारा लठिया बिछुआ डैम का निर्माण का किया जाएगा, ये भी छोटी योजना नहीं है, बड़ी योजना है। ये आज हमारा लक्ष्य क्या है कि हम किसानों को मजबूती दें। अगर हम फिर से, हमने तो कहा हुआ है कर्जा माफ हम फिर से करेंगे, शुरू करेंगे, पर साथ साथ अगर कर्जा ही माफ किया और किसानों को सिंचाई की सुविधा ना हुए, किसान क्या करेगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।